हाय, मैं मुश्ताक अली अलवर से। मैं 11th 12th फाउंडेशन नीट पिछले 4 साल से अध्ययन करा रहा हूँ। कई कोचिंगों में मैंने अध्ययन कराया है, जहाँ पर मुझे तरह तरह के सीखने के लिए एक्सपीरियंस मिले। कई सारी चीज़ें मैंने देखी और कई सारी चीज़ें मैंने नोटिस करी, बच्चों को भी मैंने देखा। मैं 4 साल से मैंने बहुत सारे डायरेक्टर, बहुत सारे टीचर्स के साथ में मैंने काम किया है। उसके बाद मैंने यहाँ RCI कैंपस में आकर अपने आप को एक एडजस्टेबल, स्टेबल और एक डायरेक्टर के साथ जो एक बात होती है, वहाँ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट टीचर्स के साथ में कम्युनिकेशन नहीं करते हैं, या हमारी कोई भी प्रॉब्लम अगर होती है तो हम डायरेक्टर सबसे डायरेक्टली कोई भी संवाद कर सकते हैं। बाकी मैंने बच्चों के अंदर देखा है एक डिसिप्लिन। हमारे यहाँ रोज बाकी फाउंडेशन जो कोचिंगें होती हैं, नीट जहाँ तैयारी करवाते हैं, वहाँ कोई भी असेंबली में नहीं करवाते हैं, नहीं कोई प्रार्थना होती है, नहीं कोई ओम उच्चारण होता है, नहीं कोई हनुमान चालीसा होती है। यहाँ एक बच्चे को एक प्रॉपर तरीके से गाइड किया जाता है, सेमिनार किए जाते हैं, मोटिवेट किए जाते हैं। कुछ लोग पढ़ाते हैं तो बच्चे डिमोटिवेट होते चले जाते हैं। सबसे अच्छी बात है हमारे डायरेक्टर सर की, मुझे एक बात अच्छी लगी कि वहाँ सुबह सुबह बच्चों को एक मोटिवेट करके, जिससे वो पूरी तरह से एक एनर्जी लेकर एक तरीके से पढ़ता रहे, और एक डिसिप्लिन, नोट्स, टेस्ट टाइम टू टाइम, एक भी दिन लेट नहीं। हमें भी स्ट्रिक्ट रहना पड़ा, क्योंकि जब संस्था का मालिक ही डायरेक्टर ही स्ट्रिक्ट है तो टीचर तो ऑटोमेटिक ये होते हैं, स्ट्रिक्ट होते हैं। उसके बाद मैंने देखा हमारे यहाँ सभी साथी एक से चढ़ती एक सब अपने सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हैं। मैंने वहाँ और भी बहुत सारी चीज़ें नोटिस करी है कि जैसे यहाँ का पूरा मैनेजमेंट, स्टाफ, सारी चीज़ें व्यवस्थित तरीके से। बाकी क्लासरूम, हमने अभी तक जो भी पढ़ाया बोर्डों पर पढ़ाया, डिजिटल बोर्ड पर नहीं पढ़ाया, डिजिटल बोर्ड पर यहाँ पर पढ़ाने में एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। जहाँ बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूटों से भी अगर हम कंपेयर करें तो हमारा बेस्ट रहता है। बच्चों को 3D डायग्राम दिखाना, बायो में मुझे कंफर्टेबल फील होता है। बाकी पहले एक 3D डायग्राम नहीं बना पाते हम बायो में, लेकिन अब हमारे डायरेक्ट सर के हमारे छोटे से अनुरोध पर, या फिर भी सर भी खुद ने भी 4 बोर्ड, डिजिटल बोर्ड हमारी हर क्लास में डिजिटल बोर्ड अवेलेबल करा दिए हैं, जिससे बच्चों को भी अच्छे पढ़ाने में सहायता होती है और हमें भी पढ़ने में अच्छी सहायता होती है।